दोस्तों, आज मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगा एक सैमसंग 32 इंच का डिस्प्ले है। एक बहुत ही कॉमन डिस्प्ले है। इसमें जो आपको आज दिखाऊंगा हाउ टू आइडेंटिफाई ए पैनल डिफेक्ट, न कॉफ डिफेक्ट, न आईसी डिफेक्ट, कौन सा प्रॉब्लम है ये आप कैसे कंफर्म करेंगे, वो पूरा डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो एंड तक देखते रहिए दोस्तों, पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए स्विच ऑन करिए, पूरा वीडियो एंड तक देखिए दोस्तों, तब भी आप समझ पाएंगे, बहुत कुछ नॉलेज आप यहाँ से अचीव करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट है ना, दीजिए और ऑन करिए, देखिए 12 वोल्ट आया है ना, 12 वोल्ट प्रेजेंट है। ये प्रैक्टिकल वीडियो है दोस्तों, एंड तक देखते रहिए। और देखिए यहाँ पर क्या है, एच भिन है, यहाँ पर देखिए 1.8 वोल्ट प्रेजेंट, और यहाँ पर देखिए 3.3 वोल्ट प्रेजेंट। तो एवरीडी में क्या वोल्टेज है, देखिए एवरीडी में कुछ वोल्टेज नहीं है। तो इस पैनल में ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम है, ये पैनल का गेट सिग्नल में कोई प्रॉब्लम होगा तो वोल्टेज आके चला जाता है, ऐसा होता है ना। तो आप देखिए इसमें क्या है, तो मान लीजिए ये एवरीडी पॉइंट है, इसमें ही करूंगा, एक बार पावर ऑन कर दो, स्विच ऑफ करता हूँ, स्टैंड बाई, ठीक है स्टैंड बाई ऑफ कर दिया। देखिए यहाँ पर स्टैंड बाई वोल्टेज नहीं है, बंद हो गया। इसको मैं स्टैंड बाई रिलीज करूंगा, देखिए इसी कंडीशन में क्या होगा, अगेन मैं स्टैंड बाई रिलीज करूंगा, तो एक बार वोल्टेज मीटर में रीड देंगे, देने के बाद ही थोड़ा सा रीड देने की कोशिश करेगा, उसके बाद ही चला जाएगा। तो इसको मैं स्टैंड बाई रिलीज कर रहा हूँ, देखिए स्टैंड बाई रिलीज हो गया, लेकिन कुछ रेस्पॉन्स नहीं है, थोड़ा 0.1 मिली वोल्टेज रीड दे रहा है। तो इसमें एक गेट जो सिग्नल है पैनल का अंदर, जो गेट सिग्नल जा रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जैसे वोल्टेज था ऐसा ही है, देखते रहिए दोस्तों। तो इसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये मेरा आईसी डिफेक्ट है, ना मेरा कॉफ डिफेक्ट है, ना मेरा इटसेल्फ पैनल डिफेक्ट है। हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, दिस आईसी, दिस कॉफ और इटसेल्फ पैनल, ये कैसे फाइंडिंग करेंगे वो मैं आपको देखूँ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, तो ये जो एवरीडी है, वीजीएच है, वीजीएल है, इसको शॉर्टिंग चेक करना पड़ेगा, कूल चेक करेंगे, उसमें तो आप चेक कर लेंगे, लेकिन मोस्ट जो वाइटल पॉइंट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए पावर ऑफ कर दो, पावर ऑफ कर दो, पावर ऑफ कर दिया ना, पावर ऑफ है, ठीक है। तो उसमें देखिए इस पॉइंट में, इधर देखिए स्क्रीन पर देखते रहिए, यहाँ पर जो पॉइंट है देखिए डॉट पॉइंट है, यहाँ पर ये कॉफ से आ रहा है। इस कॉफ का जो इंटरेस्टिंग है, ये कॉफ का अंदर प्रोसेसर है, और पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ये जो डीसी आईसी है, इसका अंदर लेवल शिफ्टर है, ठीक है, लेवल शिफ्टर, डीसी आईसी, सब कुछ इसका अंदर है। और ये जो कॉफ है, एक कॉफ का अंदर गामा सेक्शन भी है और टिकन प्रोसेसर भी है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है, इस प्रोसेसर में 3.3 वोल्ट सप्लाई में नहीं ऑन होता है, इसमें 1.8 वोल्ट में। ये पूरा जो कॉफ है, कॉफ का जो प्रोसेसर है, गामा सेक्शन है, पूरा काम करेगा, उसका जो VCC होता है वो 1.8 वोल्ट, नॉट 3.3 वोल्ट। यहाँ पर 3.3 वोल्ट क्या है, ये जनरेट होगा लेकिन इसका अंदर इनपुट नहीं होगा, याद रखिए। ज़्यादातर तिकोन प्रोसेसर में क्या है, लेवल शिफ्ट, ज़्यादातर तिकोन प्रोसेसर में मेन सप्लाई होता है 3.3 वोल्ट, लेकिन इस पैनल में, इस कॉप का जो तिकोन प्रोसेसर है, इसका सप्लाई होगा 1.8 वोल्ट, याद रखिए, इसमें 3.3 वोल्ट इनपुट नहीं होगा। तो देखिए इसमें मैं टेस्ट करूंगा, सबसे पहले मेरा आईसी डिफेक्ट है
ना मेरा कॉफ डिफेक्ट है ना पैनल डिफेक्ट है। इस पॉइंट में देखिए, याद रखिए, इस पॉइंट में यहाँ से जो है डीसी ऑन, यहाँ से आउटपुट होता है, ये प्रोसेसर से आएंगे। मेरा तो 1.8 वोल्ट सप्लाई ओके है, सबको 1.8 वोल्ट सप्लाई आप देख लीजिए, यहाँ पर आएंगे। देखिए एक बार ऑन करिए, स्टैंड बाय रिलीज कर दो। देखिए 1.8 वोल्ट यहाँ पर आएंगे, आप देखिए, देखिए 1.8 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आएंगे सबको, ज़्यादातर जिस जहाँ पर ज़रूरत होगा वो इनपुट करेंगे, ठीक है। 1.8 वोल्ट सप्लाई का खेल है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है देखिए, जहाँ पर मैं टच कर रहा हूँ, इसी पॉइंट ए डीसी ऑन एनेबल जो होता है, ये तिकोन प्रोसेसर से आउटपुट हो रहा है। इसको ये जो ट्रैक यहाँ से आ रहा है, इसको आप काट कर दो, ठीक है। काट करने का बाद क्या करूँ, देखिए मैं तो काट करके रखा, ऑलरेडी काट कर दिया, देखिए मैं आपको दिखाने के लिए काट कर दिया, काट कर दिया। यहाँ से ऑफ करिए, यहाँ से मैं क्या करूँ, देखिए यहाँ से मैं एक 1K रजिस्टर यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। देखिए लगाने का पहले मैं एक बार वोल्टेज आपको चेक करके देखाऊंगा, स्विच ऑन करिए, देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट आया है, लेकिन इस पॉइंट में आपको 1.8 वोल्ट होना चाहिए। 1.8 वोल्ट आउटपुट होगा तो आप समझ पाएंगे मेरा जो प्रोसेसर है वो एनेबल आउटपुट हो रहा है। यहाँ पर एक वोल्टेज आउटपुट होगा जो प्रोसेसर आउटपुट करेगा, ये वोल्टेज कहाँ पर जाएंगे, वो जो डीसी आईसी है वहाँ पर जाएंगे, डीसी आईसी को एनेबल करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ नहीं है 1.8 वोल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1.8 वोल्ट है, देखिए, ठीक है। तो मैं ये जो ट्रैक यहाँ से आउटपुट हो रहा है, इसको मैं काट कर दिया, यहाँ से एक रजिस्टर लगा के यहाँ पर लगाऊंगा, देखिए अब करिए, स्टैंड में रिलीज करिए। दोस्तों ये प्रैक्टिकल वीडियो, थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, अब बहुत कुछ नॉलेज यहाँ से मिलेंगे, आप देखते रहिए दोस्तों। देखिए मैं इसको एक वोल्ट 1 के रजिस्टर यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया 1.8 वोल्ट से, ऑन करिए, स्विच ऑन करिए, देखिए 1.8 वोल्ट आ गया इस पॉइंट में, आईसी एनेबल मिल गया। आईसी एनेबल मिलने का बाद तब भी आप देखिए ये एवरीडी पॉइंट है, यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या सोचेंगे, क्या फॉल्ट है ये, इसी कंडीशन में आप शॉर्टिंग चेक कर लीजिए पहले, उसका बाद ये 100% आपका ए आईसी डिफेक्ट है, ठीक है, भिन और एज भिन। उसका बाद और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको शेयर करूंगा, इम्पॉर्टेंट नॉलेज, देखिए ए होगा एज भिन है और ए होता है हमारा भिन, भिन और एज भिन, भिन में 12 वोल्ट है और एज भिन में वोल्टेज नहीं है, ठीक है। ये भिन और एज भिन का बारे बहुत वीडियो में मैं बताया, देखाया प्रैक्टिकली, तो इसमें ये आईसी डिफेक्ट है। और कंफर्म होने के लिए देखिए मीटर को डायोड रेंज में रीड दो, डायोड रेंज में, ठीक है, ऑफ कर दो, इसको ओपन कर दो। तो भिन और एच भिन में जो मॉस्फेट लगा रहता है वो एन चैनल का मॉस्फेट होता है, ठीक है। देखिए मीटर पॉप, देखिए नेगेटिव मीटर पॉप को मैं यहाँ पर रखा एच भिन में, भिन में सॉरी भिन में, और पॉजिटिव को मैं एच भिन में रखा। अब देखिए डायोड का रेंज रीड दे रहा है,
तो इसको मेजरमेंट करके आप कंफर्म हो सकता है मेरा जो मॉस्फेट है वो मॉस्फेट ओके है। ठीक है, मॉस्फेट ओके है, मॉस्फेट ओके है। तो हमारा एआईसी डिफेक्ट है, एआईसी चेंज करेगा तो आपका सब वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। दोस्तों आपका ये नॉलेज अच्छा लगा, आपको कुछ हेल्पफुल होगा, काम मिलेंगे तो आप मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसा नॉलेज आप खुद सीखना चाहता है, अचीव करना चाहता है, मेरा जो नेक्स्ट अपडेट प्रोग्राम मार्च मंथ में स्टार्ट होगा, 28 अप्रैल मंथ में है। मार्च मंथ में ज़्यादातर बुकिंग हो गया, 2-3 सीट फाँका है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके मेरा साथ मेरा अपडेट प्रोग्राम में अटेंड कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।